हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसीएस सिंप्लीफाइड। तो ये मेरी जो स्पीडी की सीरीज चल रही है कंटिन्यूड, लगभग 14-15 वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल रखा हूँ, जिसमें मैंने जितने भी फ्रेगमेंट्स टॉपिक्स होते हैं साथ साथ में टॉप 300 ईच मंथ के जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर मोस्ट प्रोबेबली मैं डाल रखा हूँ, तो आप उसको जाके देख सकते हो। अभी इस टॉपिक में मैं करूँगा नोबेल प्राइज जो 2022 में मिली है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, उसकी किस फील्ड में मिली है, उसके रेसिपिएंट कौन है और उनको किस वजह से ये नोबेल प्राइज़ 2022 मिला है। आप एक चीज़ समझ लो, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो जहाँ पे जीके जीएस या करंट अफेयर पार्ट है, उस केस में उस कंडीशन में आपको नोबेल प्राइज़ तो 100% याद करके जाना ही जाना है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको ये नेम याद करने के लिए आपको ट्रिक जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है, और मेरा मानना ये है कि अगर ट्रिक वो आपका खुद का हो तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, मेडिसिन में किसको मिला है, मेडिसिन में सवंते पावो को। सवंते पावो गॉट द नोबेल प्राइज 2022 इन मेडिसिन फील्ड फॉर हिज रिसर्च ऑन द एक्सटिंक्ट होमिनिड जीनोम्स एंड द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। तो जो ऐसे जीनोम्स जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है, और ह्यूमंस के इवोल्यूशन को और अच्छे तरीके से रिसर्च किया उन्होंने, इसकी वजह से इस फील्ड में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा है, इसलिए उनको मेडिसिन के फील्ड में सवंते पावो को नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फिजिक्स के फील्ड में, ठीक है, फिजिक्स फील्ड में किसको मिला है, ठीक है, तो फिजिक्स के फील्ड में मिला है एलन एस्पेक्ट, जॉन ऑफ क्लॉजर एंड एंटोन जेलिंगर को, ठीक है। इनको किस चीज़ के लिए मिला है, फॉर देयर वर्क ऑन इंटेंगल्ड फोटोन। फोटोन मीन्स क्या होता है, पैकेट एंड क्वांटम ऑफ लाइट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स प्रूविंग द वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटीज एंड डेवलपिंग द फील्ड ऑफ क्वांटम इन्फॉर्मेशन साइंस। तो फिर क्वांटम इन्फॉर्मेशन, इनका ये जो एक वर्क था वो किस चीज़ पर बेस्ड था, तो जो फोटोन्स जो टैंगल्ड होते हैं, जो उलझे हुए होते हैं, ठीक है, उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने ये भी प्रूव किया था कि बेल इनइक्वालिटीज़ को कैसे ये वायलेट, और इन्होंने जो फील्ड पर काम किया उसको क्वांटम इन्फॉर्मेशन साइंस पर इनका मेन प्रोजेक्ट था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में किनको मिला है, कैरलोन बर्टोजी, मॉर्टिन मेल्डल एंड बेरी सरप्लेस, इन तीनों को मिला है, ठीक है, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फाउंडेशन ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री एंड ऑल्सो टुक केमिस्ट्री इनटू द फंक्शनलिज्म एरा। तो देखिए, इनका जो मेन फील्ड रहा है वो केमिस्ट्री का रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री में ही पीस प्राइज में नोबेल प्राइज मिली है, तो इसकी मेन जो एस्टेब्लिशमेंट थी ना, तो ये था क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, मतलब बायो और केमिस्ट्री के बीच में जो ऑर्थोगोनैलिटी है उसके बीच में इन्होंने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज था। अब आगे बढ़ते हैं, पीस की बात करते हैं, तो पीस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, पीस एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। तो मिला है किनको, एलिस ब्लैट्सकी, और ऑर्गेनाइजेशन को मिला है मेमोरियल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो रशिया का है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो यूक्रेनियन है, ठीक है। तो किस चीज़ के लिए मिला है, फॉर इनकरेजिंग द राइट्स टू क्रिटिसाइज पावर एंड प्रोटेक्ट द सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो जो अभी रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है ना, उससे भी इंस्पायर्ड है, मतलब उसके अगेंस्ट में बोलना, जैसे मान लीजिए ये रशिया का ऑर्गेनाइजेशन है, मेमोरियल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, और ये रशिया के अगेंस्ट अगर बोल रहा है तो ऑब्वियसली है कि वो पीस कीपिंग मिशन को वो कंटिन्यू करना चाह रहा है, ठीक है। और एक और ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट, जो कि कहाँ का है, यूक्रेन का है। और एक इंडिविजुअल है एलिस बियालियाट्स्की, ठीक है, उनको भी मिला है, तो वजह पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स में किनको मिला है। इकोनॉमिक्स में मिला है बेन एस बर्नाके, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप्स एच डाइबिगिंग, ये इनको मिला है फॉर रिसर्च ऑन फिनेंशियल क्राइसिस एंड बैंक्स। तो फिनेंशियल क्राइसिस जो चल रही है वर्ल्ड में, ठीक है, और बैंक्स का उसका उसमें क्या रोल है या फिर बैंक्स का कैसे इन्वॉल्वमेंट है उस फिनेंशियल क्राइसिस में, और बैंक्स के बारे में इन्होंने रिसर्च किया है एज वेल एज फिनेंशियल क्राइसिस से कैसे लिंक्ड है, इसको रिसर्च किया है, तो ये इकोनॉमिक्स में मिला है, ठीक है। अब हम लिटरेचर में देख लेते हैं, लिटरेचर में मिला है एनी एरोनॉक्स को। एनी एरोनॉक्स गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ठीक है। किस चीज़ के लिए मिला है इनको, इनको मिला है फॉर द ब्रेवरी एंड क्लिनिकल एक्यूटी विथ विच सी रिवील्स द ओरिजिन्स स्ट्रेंजनमेंट्स एंड कलेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑफ पर्सनल मेमोरी। तो देखो इनको क्या हुआ है लिटरेचर के लिए, लिटरेचर में क्या मिला है इनको, तो देखिए समझते हैं, ब्रेवरी एंड क्लिनिकल एक्विटी। एक्विटी का मतलब क्या होता है, एक्विटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, तो एक तरीके का एबिलिटी होता है जिससे हम सुन सकते हैं, हियर सी और थिंक एक्यूरेटली एंड क्लियरली। तो एक ऐसा एबिलिटी है जिससे हम सुनना
किसी चीज़ को समझना और सोचना, एक हमारा एक्यूरेसी उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसको इन्होंने ओरिजिनेट किया है और इस्ट्रेंजमेंट्स किया है किसके साथ, तो कलेक्टिव रेस्ट्रिक्शन से पर्सनल मेमोरी, पर्सनल मेमोरी के साथ कैसे इन्होंने कनेक्ट किया है, इस पर इनको लिटरेचर मिला है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, पीस, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मेडिसिन फॉर 2022, ठीक है। तो ये था नोबेल पीस प्राइज़। तो आगे और कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको लगता है मेरा चैनल आपको हेल्प कर रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।